आखिरकार ऐलान हो चुका है चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का, और सभी लोग हैरान हैं ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के रोल में देखकर। लेकिन आपको बता दें कि इसी साल होने वाले वर्ल्ड कप को देखकर भारतीय सेलेक्टर्स ने ऐसा निर्णय लिया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या चल रहा है कप्तान गायकवाड़ के दिमाग में एशियन गेम्स को लेकर, और कप्तान कैसे बना सकते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11, और किन खिलाड़ियों का होगा इस एशियन गेम्स के साथ भारतीय टीम का सफर शुरू। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरतलब है कि एशियन गेम्स की शुरुआत चीन में 23 तारीख से हो रही है और क्रिकेट का मुकाबला 28 तारीख से होगा। इसके लिए भारतीय सेलेक्टर्स ने टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें हमें अप्रत्याशित रूप से गायकवाड़ के हाथों में भारतीय टीम की कमान देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि टीम के अनाउंसमेंट से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की तरफ से कप्तानी का भार शिखर धवन के कंधों पर होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय टीम की घोषणा आने वाले दिनों में होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर की गई है, और इस टीम में जगह नहीं मिलने के कारण ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शिखर धवन वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टर्स की लिस्ट में हो सकते हैं। ऐसे में हमें नए खिलाड़ियों से सजी भारतीय स्क्वाड में कई नए खिलाड़ी डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से इस एशियन गेम्स में हमें ओपनिंग जोड़ी के तौर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल करते नजर आ सकते हैं, जिसके बाद तीसरे नंबर पर मुंबई की तरफ से आईपीएल खेलने वाले तिलक वर्मा को मौका दिया जा सकता है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हमें राहुल त्रिपाठी नजर आएंगे। वहीं पांचवे नंबर पर आईपीएल के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका मिलता नजर आ सकता है। वहीं छठे नंबर पर जितेश शर्मा बल्लेबाजी करते दिखेंगे, और सातवें पर वाशिंगटन सुंदर नजर आने वाले हैं। आठवें नंबर की बात करें तो हमें इस स्पॉट पर अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए शहबाज अहमद नजर आएंगे। वहीं नवे नंबर पर अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दसवें नंबर पर रवि बिश्नोई और ग्यारहवें नंबर पर आवेश खान या मुकेश कुमार बल्लेबाजी करते नजर आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह के साथ साथ तिलक वर्मा जितेश शर्मा का भारतीय टीम के साथ सफर शुरू होने वाला है। आईपीएल में इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से खेला था उसे देखकर ही इन खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया गया है, और सिलेक्टर्स को इनसे इस एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और अगर ऐसा करने में ये खिलाड़ी कामयाब रहते हैं तो फिर आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी इन खिलाड़ियों का स्थान लगभग पक्का हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, एशियन गेम्स में हमें किन खिलाड़ियों के बल्ले से रनों की झड़ी लगती नजर आएगी? हमें अपना बहुमूल्य राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।